जय श्री महाकाल। मुझे इस बात की प्रसन्नता के मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा नामांतरण को लेकर के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की, जिसके कारण से पटवारी के पास अलग से आवेदन करना, उनको तारीख लगाना, न्यायालय तक जाना, राजस्व न्यायालय तक जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसमें सीधे सीधे नई तकनीक के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के साथ ही पंजीकरण का एक सिस्टम हमने पहले प्रारंभ किया, लेकिन मुझे बताया गया था कि हमारे कई सारे कृषकों के समय समय के नामांतरण, बंटवारा, नक्शे के संशोधन, ऐसे कई विषय पेंडिंग थे। तो हमने एक अभियान चलाया था पहले, जिसमें लगभग 30 लाख का पहले लोगों के नामांतरण बंटवारे के प्रकरण कंप्लीट हुए। दूसरे चरण में ये 20-31 अगस्त तक लगभग राजस्व अभियान 2 के माध्यम से नामांतरण के 2,71,626 बंटवारा के 27,000 अभिलेख, दुरुस्तीकरण के 26,784, नक्शा तरतीम के 45,88,918, लगभग 50 लाख के आसपास के प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है, जिसके कारण से नामांतरण में हमारे अकेले EKYC कंप्लीट करने में अलीराजपुर, उज्जैन, उमरिया, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, नर्मदापुरम, निवाड़ी, सभी प्रदेश के प्रमुख प्रमुख जिलों में जहाँ इस चीज़ों में खासकर उल्लेखनीय रूप से हमारे राजस्व अमले ने काम किया, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और सरकार के माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित गति से निराकरण हो, इस दिशा में सरकार गंभीर भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नामांतरण बंटवारे में पहले एक नंबर का बंटवारा या नामांतरण तुरंत हो रहा था, बटांकन का भी क्रमांक 2 तक चालू किया गया है। कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जनता के ऐसे सारे कामों में सरकार अपनी प्रभावी भूमिका निभाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस राजस्व अभियान 2 के समापन पर सभी को बधाई, और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद भी अभियान 3 चालू होगा, जिसमें बाकी कोई बच्चे होंगे तो उनको भी लाभ दिलाया जाएगा। एक बार फिर इस अच्छे अभियान की बधाई।